ए भैया आए गांव में कोनो धंधा पानी करे लग नाई बा, कोनो दुकान का नाई खोले लग बा। अच्छा कहे से भैया, बड़ा समस्या गांव में, पैसा वैसा मिले वाला नाई है। हमें ठीक घटना बताओ थे बगलिए में के, एक जन भैया दुकान खोले बाटे, तो एक जनी गाँव में के उनके यहाँ गए लीन दाल याने ठीक है रहरिक दाल, तो एक किलो दाल ले ली सवेरमा सवेरमा एकदम से बोहनी बेचारा का भैल नहीं रहे। अच्छा तुम कह रहे भैया 140 रुपया भैल देता, तो कहते अच्छा ठीक बा, पैसा तो नहीं बा, पैसा ना ले आए नहीं। तो कह रहा बतावा सवेरे सवेरे टाइम है, बोहनी भैल नहीं बा, बतावा कैसे उधार दे दें। तो कहते हैं उधार नहीं चाहिए ने, पैसा तो बा नहीं, पैसा देवा नहीं, पैसा बदले कुछ और लेला। अब बतावा भैया किराना की दुकानी पे के अगर सामान लेवे जा तो भैया सीधी सी बात है पैसा दा सामान ला, लेकिन वो कहत हैं पैसा नहीं बा, पैसा नहीं दे पाई, कौन और सामान ले ला। तो बेचारा कहता कि हम तो से का लेब, तो कहत हैं देखा हमारे सब्जी बोल बा ठीक है, घेवड़ा सरकुतिया करेली जो चाहिए तो ले ला मन से। कहते भैया हमके सब्जी ना चाहिए, सब्जी हमारा बा। कहते हैं ठीक बात, हमारे भैंस लगे ले दूध ले लिया। तो भैया ई तो हाल ही है, मतलब गांव देहात में यह भैया ढेर समस्या है। कोनो अगर दुकान खोल ले हवा, कोनो सामान वामान बेचत हवा अगर ठीक बा, तो कोनो जरूरी नहीं है कि तुमके जो है बेचने के बदले तुमके पैसे मिले, तुमके आटा चाउर गेहूँ दाल पिसान कुछ मिल सकेला, पैसा वैसा नहीं मिले वाला है। ये नाते भैया गांव के देहात के आदमी गरीब के बेचारे गरीबे रह जाने, सोचे रहे कुछ दुकान खोल ली तो दो पैसा कमावे, और दो पैसा कमाइए का मजबूरी में जबरदस्ती सामान लेवे पड़ जाला, दूध लेवे पड़ जाला, सब्जी लेवे पड़ जाला, आटा चाउर गेहूँ लेवे पड़ जाला, का करो भैया। ये सब तो हाल ही है गाँव देहात के, कैसे हमन के आगे बढ़ल जा, देश कैसे तरक्की करी ऐसे। और तो और कही जी तो ऐसा बाटें जब 200-300-400 रुपये हो जाए तो कहिए भैया हम तो ना दे पाए, हमसे कौन अपने खेते में काम करा लिया, तो उनसे न चाहते हुए भी जबरदस्ती गेहूँ कटवाए पड़ेला, धान कटवाए पड़ेला, खेते में काम करवाए पड़ेला। तो भैया ऐसा नुकसान ना है, अब के यूँ सोचे है कि हम दुकान कैले बाटी तो एक महीना में जो है ना कि 10-20 हज़ार कमा लेवे, तो कमाइए कहाँ से, 10-20 हज़ार के उसे उधारा रह जाला, उनसे जबरदस्ती मजबूरी में कौन कौन काम करवाए पड़ेला।